ही की सीट पे आप ही के जिले में अखिलेश यादव जी भी आए थे, गुंडों की बात करके गए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करके लेकर गए, क्या कहेंगे उन चीजों को? क्योंकि आप उनके कल के कार्यक्रम को बहुत ही बेबाक उत्तर दिया है कि उनकी जमानत नहीं बचेगी, अपराधियों के सरगना है और सरगना रहेंगे। सपा का सूपड़ा साफ उत्तर प्रदेश से हो गया है, जो बचा है 10 मार्च को हो जाए। अब जनता आपको दोबारा से आशीर्वाद देती है, आप दोबारा से विधायक बनकर आते हैं, तो क्या जनता आपसे और उम्मीद करे कि आप और किस तरीके से चीजों को बढ़ाएं? ईश्वर करे कि उनकी जो जो इच्छा हो उसे मैं पूरी करने लायक रहूं। प्रचंड बहुमत के साथ सफलता मुझे लगता है कि मेरे सामने है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से शुरू हुआ चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुका है और पूर्वांचल बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है। माना जाता है कि बीजेपी बड़े स्तर पर यहां से लोगों का जन सरोकार करती है, लोगों से मुलाकात करती है। योगी जी की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, सभी पूर्वांचल से आते हैं। आज हम पूर्वांचल की एक सीट प्रतापगढ़ में हैं, जहां पर बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पर यहां पर वोटिंग होनी है। यहां पर नेताओं ने अपने स्तर से क्या तैयारी की, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। प्रतापगढ़ की जिस सीट पर हम यहां पर मौजूद हैं, वहां से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। उन्होंने बड़े स्तर पर विकास कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में किए हैं, ग्राम विकास को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों में क्या किया, अपने क्षेत्र में क्या किया, इससे हमसे बात करने के लिए सीधे खुद मोती सिंह जी मौजूद हैं। एक बड़ा जनाधार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अभी भीड़ भी दिख रही है, एक बड़ा जनाधार है आपके साथ। किस तरीके की चीजें आप देख रहे हैं अभी, आपको अपनी विधानसभा में क्या स्थितियां दिख रही हैं? प्रचंड बहुमत के साथ सफलता मुझे लगता है कि मेरे सामने है, जो जिसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, पट्टी की आराध्य जनता की कृपा मानता हूँ। आपने बड़े स्तर पर काम किया, क्योंकि ग्राम विकास विभाग में अगर सरकार के स्तर से माना जाए तो ग्राम विकास विभाग ने बड़े स्तर पर काम किया, कई अवार्ड्स भी उसको नेशनल स्तर पर मिले हैं। लेकिन विधायक के तौर पर अगर हम माने, आपने विधायक की जिस तरीके से बताया, अभी जो जनसभा भी आपकी हो रही थी, बड़े स्तर पर काम किए, अब जनता आपको दोबारा से आशीर्वाद देती है, आप दोबारा से विधायक बनकर आते हैं, तो क्या जनता आपसे और उम्मीद करे कि आप और किस तरीके से चीज़ों को बढ़ाएंगे? ईश्वर करे कि उनकी जो जो इच्छा हो उसे मैं पूरी करने लायक रहूं, और जो उनकी इच्छा होगी उसमें कहीं कोई कोर कसर उसे पूरी करने में मैं नहीं रखूंगा। केवल उनका आशीर्वाद ही मेरा संबल है, जो मेरे साथ है। आप ही की सीट पे, आप ही के जिले में अखिलेश यादव जी भी आए थे, गुंडों की बात करके गए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करके लेकर गए, क्या कहेंगे उन चीज़ों को? क्योंकि आपकी सीट प्रतापगढ़ अमूमन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक जो माफिया है, जो पूर्वांचल का एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं पनपता है, अलग अलग सीटों पर देखने को मिलता है। अखिलेश यादव जब आए थे सपा सरकार में, इन जगहों पर बहुत सारे मर्डर्स होते थे, बहुत सारी शिकायतें सामने आती थी। अब जो स्थिति है उसके आधार पर अखिलेश यादव के बयानों को क्या कहेंगे आप? संजय निषाद जी की जनसभा ने अखिलेश यादव जो कल आए थे, कई जिले के लोगों को आमंत्रित किया था, प्रतापगढ़ की 3 विधानसभा के लोगों को, आज जो जनसमर्थन ने, यहाँ जनता की मौजूदगी ने उनके कल के कार्यक्रम को बहुत ही बेबाक उत्तर दिया है, और इस जनसभा ने उन्हें बता दिया है कि उनकी जमानत नहीं बचेगी, अपराधियों के सरगना है और सरगना रहेंगे। सपा का सूपड़ा साफ उत्तर प्रदेश से हो गया है, जो बचा है 10 मार्च को हो जाएगा। विधायक के तौर पर अपनी जनता से आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे? जनता, प्रतापगढ़ की जनता की बदौलत ही मेरे पास ये सम्मान है। मैं अपने इस मस्तक को जनता के चरणों पर रखकर उनका आशीर्वाद मांगता हूँ, उनका विश्वास मांगता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ताकत दें, उनकी इच्छा के अनुरूप मैं उनकी सेवा कर सकूं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल वॉइस से बात करने के लिए। ये थे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी, जो कि इस समय प्रतापगढ़ की एक सीट से भाजपा प्रत्याशी भी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए हैं, और जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष अपने इरादों को सामने रखने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अन्य हो, उन सभी का जवाब जनता देगी। कैमरामैन सुमन उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, ग्लोबल वॉइस प्रतापगढ़।